दोस्तों हाल ही में एक खबर चर्चा में आई है कि इंडिया ने अपने फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के सी ट्रायल्स कमेंस कर दिया है। 262 मीटर लेंथ, 62 मीटर ब्रेथ और 59 मीटर की हाइट के साथ INS विक्रांत भारत का सबसे कॉम्प्लेक्स डिजाइन वॉरशिप होने जा रहा है, जिसे इंडिया में ही डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है। INS विक्रांत कमीशन होने के बाद INS विक्रमादित्य को सप्लीमेंट करेगा, जिससे इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के लिए दो सेपरेट कैरियर्स हो जाएंगे। दोस्तों INS विक्रांत के सी ट्रायल्स के साथ ये डिबेट भी शुरू हो गई है कि क्या इंडिया को एक थर्ड एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। ग्लोबल पॉलिटिक्स के एक ऐसे दौर में जहां हर देश अपने डोमिनेंस बढ़ा रहा है, इंडिया का लोकेशन, एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ इट्स नेबर और इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट्स इस डिबेट को और दिलचस्प बना देते हैं। इस वीडियो में आज हम इन्हीं एंगल्स को एनालाइज करते हुए ये डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया को एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों इंडिया के प्रपोज्ड थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल को लेकर कई डाइवर्जेंट व्यूज हैं, जहां एक तरफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत इसे समर्थन नहीं देते, वहीं दूसरी ओर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के पक्ष में है। दोस्तों यूँ तो INS विशाल को लेकर चर्चा कई वर्षों से चल रही थी, पर 2018 में जब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा ने मीडिया को बताया कि INS विशाल को लेकर काम आगे बढ़ाया जा रहा है और अगले 3 वर्षों में शिप का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा, इस बात के स्पेकुलेशन शुरू हो गए कि शायद 2030s के अर्ली ईयर्स तक इसे इंडक्ट भी कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। CDS रावत के स्ट्रॉन्ग अपोजिंग व्यूज और सीवियर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ने इस प्रोजेक्ट को स्टॉल कर दिया है। INS विशाल के अगेंस्ट 3 प्रोमिनेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं, आइए उन्हें समझते हैं। पहला है कॉस्ट फैक्टर। दोस्तों जब हम अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य को रशिया से एक्वायर कर रहे थे, इसकी ओरिजिनल प्राइस $974 मिलियन से बढ़कर $2.35 बिलियन हो चुकी थी। यदि 45 मिग एयरक्राफ्ट और मॉडिफिकेशन को इंक्लूड कर लिया जाए तो ओवरऑल प्राइस लगभग $7 बिलियन को टच करती है। वहीं INS विक्रांत के ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ ये 10 से 11 बिलियन के अराउंड है। एनालिस्ट बताते हैं कि यदि INS विशाल को आगे बढ़ाया जाता है तो टोटल कॉस्ट 16 से 17 बिलियन के आसपास रहेगी। तो आर्गुमेंट ये है कि थर्ड कैरियर पे इतने बड़े अमाउंट को स्पेंड करने से बेटर है नेवी जो पहले से ही रिसोर्स क्रंच से जूझ रही है, वो कॉरवेट्स, माइन स्वीपर्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, UAVs और दूसरे मिसाइल एंड इक्विपमेंट में स्पेंड कर सकती है। दूसरी बात, यदि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के एस्ट्रोनॉमिकल कॉस्ट के साथ साथ, जिसे देश की सी कंट्रोल स्ट्रेटजी के लिए अहम बताया गया है, क्रिटिक्स इन कैरियर्स की वल्नरेबिलिटीज भी पॉइंट आउट करते हैं जो एडवर्सरी के बैलिस्टिक मिसाइल्स और सबमरीन की वजह से बढ़ गई हैं। आज सारे देश चीपर एंटी शिप क्रूज मिसाइल डेवलप कर रहे हैं जो अपने बेटर रेंज, प्रिसीजन और नंबर से एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एक सिटिंग डक की तरह हिट कर सकती हैं। चाइना की ही एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल 1500 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है, जो इंडिया के लिए पहले से ही एक खतरा है। सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी भी लगातार इंक्रीज कर रही है, जिससे लंबे डिस्टेंसेस से भी सोफिस्टिकेटेड एंटी शिप मिसाइल्स लॉन्च किए जा सकते हैं। इंस्टेंस के तौर पर चाइना का H-6K बॉम्बर जो 3000 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करता है। थर्ड आर्गुमेंट ये कहता है कि जो काम एक एयरक्राफ्ट कैरियर से किया जा सकता है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स कम वल्नरेबिलिटीज के साथ उसे ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। जनरल रावत के ये स्पेकुलेशंस हैं कि यदि SU-30 MKIs को ब्रह्मोस ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से इक्विप किया जाए तो वो इंडियन ओशन रीजन की बेटर पुलिसिंग कर सकती है। जनरल रावत के सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि इंडियन एयरफोर्स के मैरीटाइम जैगुआर IM फ्लीट को यदि AGM ब्लॉक 2 हरपून मिसाइल्स और इसराइल के मल्टी मोड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार, जिन्हें पॉपुलरली AESA रडार भी कहते हैं, सी बॉर्न ऑपरेशन के लिए इक्विप किया जाए तो किसी भी ऑपरेशन में एयरक्राफ्ट कैरियर से ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। जनरल रावत को कोट करते हुए वो कहते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह नेवी को लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को एक अनसिंकेबल नेवल एसेट की तरह डेवलप करने में कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये एक तरफ की बात हो गई, दूसरे पक्ष की बात भी हम जान लेते हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतने डिफेंसलेस भी नहीं होते। इनकमिंग बॉम्बर से उनके खुद के एयरक्राफ्ट्स प्रोटेक्ट करते हैं, कैरियर्स के एस्कॉर्ट वेसल्स उनके आसपास की अनफ्रेंडली सबमरीन्स को दूर रखते हैं। ये एस्कॉर्ट वेसल्स
इनकमिंग मिसाइल से भी कैरियर की सुरक्षा करते हैं। निक चाइल्ड्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज के एक एक्सपर्ट बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द कैरियर किलिंग सिस्टम्स आज भी अनप्रूवन है। सिद्धार्थ कौशल एक्सपर्ट एट रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट लंदन एक्सप्लेन करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करने वाली मिसाइल्स इन सिस्टम का बस एक हिस्सा है। ग्राउंड बेस्ड रडार या सैटेलाइट्स टारगेट पे कई 100 किलोमीटर से इफेक्टिवली नज़र नहीं रख पाते, जिससे उन्हें प्रसाइज डेटा नहीं मिल पाता। सारे ड्रोन और सैटेलाइट डेटा को यदि साथ लाकर अपडेट भी किया जाए, टारगेट पे एम करना तब भी कठिन होता है, क्योंकि कैरियर्स के एक पोजीशन पे स्टडी रहने की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं। रिटायर्ड वाइस एडमायरल विजय शंकर के अनुसार सुपीरियर सर्विलेंस कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटी, रेंज और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मोबिलिटी किसी भी टैक्टिकल सिनेरियो में कैरियर्स को अपर हैंड देती हैं। अपने एयरक्राफ्ट की मदद से कैरियर्स किसी भी एनिमी शिप को दूर रख कर ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही सर्कमस्टेंसेस के अनुसार कि दुश्मन के सर्विलेंस और कमांड एंड कंट्रोल मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हुए उनकी काउंटर अटैक कैपेबिलिटी को भी ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, यदि एक्सपेंस की बात करें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो जब एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉस्ट को उसके एवरेज लाइफ स्पैन जो 40 से 45 वर्षों की होती है से डिवाइड करते हैं तो एवरेज कॉस्ट उतनी ही आती है जितनी दो डिस्ट्रॉयर्स की एवरेज कॉस्ट है 25 ईयर्स की एवरेज लाइफ के साथ। तो इन सारे आर्गुमेंट्स के साथ एक ऐसा पक्ष भी है जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के समर्थन में है, हम उनके व्यूज भी जान लेते हैं। INS विशाल को लेकर नेवी का ये मानना है कि इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन के अनुसार सी कंट्रोल के सेंट्रल कॉन्सेप्ट के अराउंड ही इंडियन नेवी को स्ट्रक्चर्ड किया गया है। बिना किसी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी के मैरीटाइम स्पेस का कंट्रोल और उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करना इम्पॉसिबल है, जो कि सिर्फ एक कैरियर ग्रुप ही प्रोवाइड करता है। साथ ही एक कैरियर ग्रुप डिटेरेंस, एम्फीबियस ऑपरेशंस, लैंड अटैक मिशंस और ऐसे कई फंक्शनल डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है जिसे दूसरे मैकेनिज्म से अचीव करना कठिन है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप इन सबके अलावा लॉन्ग टर्म ऑफेंसिव प्रेजेंस, पावर प्रोजेक्शन, ऑपरेशनल एजिलिटी, डाइवर्स फायर पावर एक्सेट्रा ऑफर करता है, जो किसी भी दूसरे मैरीटाइम फोर्स के कंपैरिजन में अनमैच्ड है। और दोस्तों, इन सब में एक अहम बात यह है कि लैंड और एयर फोर्सेस के कंपैरिजन में ये एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे पोटेंट मगर लीस्ट इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ मिलिट्री पावर है, जहां लैंड और एयर फोर्स किसी देश के टेरिटोरियल या एयर स्पेस में एंटर कर अटैक करते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंटरनेशनल वाटर से ही ऑपरेट करने में कैपेबल होते हैं। अगर क्रिटिक्स की बातों को माना भी जाए कि आज चाइना वॉर मशीन्स के थ्रू सी डिनाइल स्ट्रेटजी में मास्टर्ड हो चुका है, जिसके तहत वो अपने एडवर्सरी को एक लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए सर्टेन सी एरिया का यूज़ करने से डिनाई कर सकता है, फिर इस सिचुएशन में चाइना खुद का एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों बना रहा है? जी हाँ दोस्तों, इस समय जब हम अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की डिबेट्स में उलझे हुए हैं, चाइना एक मैमथ एयरक्राफ्ट कैरियर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। वेस्टर्न एनालिसिस ने इसे टाइप 003 नाम दिया है, जो आने वाले समय में वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन अमेरिकन कैरियर होने वाला है। इस कैरियर में उसी कैटापोल्ट सिस्टम का यूज किया गया है जो आज के समय में सिर्फ US और फ्रांस के पास है। कैटापोल्ट सिस्टम का यूज कैरियर डेक से एयरक्राफ्ट लॉन्च करने में होता है। अपने इस कैटापोल्ट सिस्टम की मदद से चाइनीज कैरियर फाइटर जेट्स के अलावा दूसरे प्लेन्स भी ज्यादा फ्यूल और वेपन के साथ लॉन्च कर सकेंगे। सिमिलरली, यदि एयरक्राफ्ट कैरियर आज इतने इररिलेवेंट हो चुके हैं तो ब्रिटेन और फ्रांस ने एक साथ अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स वेस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में क्यों भेजे? फ्रांस का न्यूक्लियर पावर्ड वेसल चार्ल्स दी गोले और ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ 3 दिनों की एक ज्वाइंट एक्सरसाइज गैलिक स्ट्राइक करने जा रही है, जिसके बाद क्वीन एलिजाबेथ ग्लोबल ब्रिटेन का डिमॉन्स्ट्रेशन देते हुए इंडिया और पैसिफिक ओशंस में सेल करेगी। इसके साथ ही फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली ने बताया कि फ्रांस चार्ल्स दे गोले के सक्सेसर को प्लान कर रहा है, जिसे 2038 तक कमीशन करने का इरादा है। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने 75,000 टन्स ऑफ डिप्लोमेसी और एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर एंड सोवरेनिटी बताया है। तो दोस्तों, ये थी एक ओवरऑल एनालिसिस उस डिबेट की जो इंडिया के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के इर्द गिर्द हो रही है। इस एनालिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं, जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इंडिया के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट और इंडो पैसिफिक रीजन में उसके रोल को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि इंडिया एक एंटी कैरियर इन्वायरमेंट को इंकरेज कर सकता है? साथ ही कैपेबिलिटीज की रिक्वायरमेंट को देख
एक न्यूक्लियर पावर्ड एंड फ्लैट टॉप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो शायद INS विशाल हो सकता है, इसे शेल्फ ऑफ करना इंडिया के इंटरेस्ट के लिए कितना फायदेमंद होगा। यह बजट क्रंच से जूझती हुई इंडियन नेवी को दूसरे डोमेन्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या मिलिट्री पावर में बल्क इन्वेस्टमेंट की जगह इस फंड को दूसरे डेवलपमेंट की ओर डायरेक्ट करते हुए इंडिया को डिफेंस डिप्लोमेसी के थ्रू अंडरलाइंग थ्रेट्स को टैकल करना चाहिए? दोस्तों, इन सारे सवालों का एक एनालिटिकल जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।